क्लास 9 साइंस लेसन 1 पेज नंबर आज हम लोग 10 और 11 के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन दिया उसको भी मैं सॉल्व करेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्लास 9 साइंस का अंतर्गत हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पृष्ठ संख्या 10 और जो 11 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो कल हम लोग पढ़े थे वाष्पीकरण क्या होता है, इसके बारे में कि जल को जब हम लोग गर्म करते हैं और जल वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। हमने पढ़ा था कि वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक में पहले हम लोग पढ़े थे आर्द्रता, नमी। जब नमी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। हवा जब तेज रफ्तार से चलता है तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। माने अगर तेज धूप निकलता है तभी वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। आज हम लोग को पढ़ना है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होता है। माने शीतलता का मतलब होता है कि अगर कहीं जैसे मान लो कूलर है, कूलर चल रहा है, कूलर के पास हम लोग बैठे हैं तो हमें ठंडा का आभास होता है, ऐसा क्यों होता है। चाहे हम लोग कहीं बैठे हैं पंखा चल रहा है तभी हमें बहुत ठंडा का आभास होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो बताते हैं, जब हम कहीं बैठे होते हैं और वहाँ का जहाँ कहीं बैठे हुए हैं अगर वहाँ का तापमान जब कम होने लगता है, जैसे तापमान का मतलब होता है कि अधिक तापमान होगा तो अधिक गर्मी होता है। जब हम कहीं बैठे हों और वहाँ का तापमान जब कम होने लगता है तो तापमान कम होने के कारण हमको शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस होता है। जैसे कहा होता है कि मान लो कूलर है, कूलर में पानी डाला गया है, अच्छा कूलर चलता है तो पानी जब फेंकता है तो जब पानी फेंकता है तो हमारे शरीर के ऊपर आके गिरता है, तो शरीर के ऊपर आके गिरता है तो शरीर का तापमान कम होता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, हमें ठंडा लगता है। पहला तो बात आप जान गए। दूसरा बात इसमें दिया है और कह रहा है इसमें कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। जो गर्मी होता है तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। सूती कपड़ा माने होता है कि जो गर्मी के दिनों होता क्या है कि गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी होता है, सूती कपड़ा पहनते हैं तो जो गर्मी होता है वाष्प बनता है और जल्दी से वाष्प बन के हवा में क्या होता है, चला जाएगा। और जब हवा में चला जाएगा तो हमें कैसी महसूस होती, मानो पहले गर्मी हो रहा था, जब गर्मी महसूस हो रहा था तो हमें पसीना हो रहा था, अब वही जब पसीना वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो हमारे शरीर का तापमान कम होगा तो हमें कैसी महसूस होती, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। और उसके पास बर्फ बर्फीले जल से भरे गिलास की बारिश सतह पर जल के बूंदे क्यों नजर आती है। जैसे मान लो गिलास है और गिलास के अंदर बर्फ रखा गया, बर्फ को मतलब खूब ठंडा पानी रखा गया, गिलास है, गिलास के अंदर बर्फ, जैसे मान लो कि गिलास है इसके अंदर आपने बर्फ रखा है तो गिलास के ऊपर, जैसे मान लो गिलास ही है तो गिलास के ऊपर कुछ माने आप देखेंगे कि कुछ बूंदे दिखाई देती है, ऐसा क्यों होती है। जब हवा होती है तो हवा में जलवाष्प होता है, जब तेजी से हवा बहता हुआ इसके ऊपर आता है तो मान लो बर्फ है ना, इसका तापमान बहुत कम है, इसका तापमान बहुत कम है, माने बर्फ है देखना ना, इसमें बर्फ रख करके अचानक टच करना बहुत पाला आपको लगता है, ठंडा महसूस होगा। तो कहा है कि मान लो गिलास है और गिलास के अंदर बर्फ रखा गया है, बाहर से खूब तेजी से हवा आ रहा है, जब इस आ करके इस गिलास से टकराता है तो गिलास का तापमान तो बहुत कम है, इसलिए देखो हवा गर्म है, हवा गर्म है उसमें जल वाष्प उपस्थित है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि गिलास बहुत ठंडा है, हवा तेजी से आ रहा है उसमें जल वाष्प उपस्थित है। जल वाष्प का मतलब माने बूंदे, माने पानी के बूंदे होता है, उपस्थित आकर जब गिलास से टकराता है तो गिलास का तापमान कम होता है तो गिलास पर आपके बूंदे क्या होती है, जल के बूंदे हमें दिखाई देती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है। ये कब होता है, जब बर्फ पानी में रखेंगे तभी होता है, गर्म पानी रखेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद पृष्ठ संख्या 11 पर कुछ प्रश्न दिया गया है, कह रहे कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों देता है। गर्मी के दिन बा तो गर्मी के दिन में हमें अधिक ठंडा महसूस क्यों होता है, क्योंकि जो कूलर होता है गर्मी के दिनों में जब पानी को थोड़ा सा फेंकता है बाहर, जब हवाएं उससे बाहर निकलती है तो जहाँ हम लोग बैठे होते हैं वहाँ के तापमान कम हो जाता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, लिखा जाएगा ना। अच्छा एक और है कि गर्मियों के घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मी में घड़ा, घड़ा का मतलब मान लो घड़ा है, इसके अंदर हम लोग पानी रखे हैं तो पी कर देखना बहुत ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है। क्यों इसलिए होता है कि जो जल के जब जल इसमें डाला जाता है घड़ा के अंदर तो जल में जो गर्मी होता है, जल में जो तापमान होता है उसको घड़ा के जो दीवारें होती है खींच लेते हैं, जो घड़ा की दीवारें होती है क्या करती है, खींच लेते हैं, खाली जो ठंडापन होता है वो पानी के अंदर रह जाता है, गर्मी को घड़ा खींच लेता है, इसलिए घड़ा में रखा जो जल होता है हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, ठंडा लगता है।
एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? मान लो हथेली की बात कर रहा है, हमारे पास हथेली है, हथेली इसके ऊपर हमने मान लो एसीटोन डाल दिए या इत्र, इत्र का मतलब सेंट, जब डाल देते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, देखे ना, ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम लोग सेंट इस पर डालेंगे ना तो वहाँ का तापमान कम हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। कप के अपेक्षा प्लेट में हम दूध, गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? मान लो कप है, कप, कप में अगर चाय पियोगे तो धीरे धीरे पियोगे एकदम धीरे धीरे, प्लेट अगर है खूब चौड़ा होता है ना, मारते अगर सटाक तो खींच लेते, थरिया में चाय पियो, थरिया में चाय पियोगे सटाक तो एकदम खींचा जाएगा, ऐसा क्यों होता है? जो थाली होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, जब उसमें चाय रखेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी सा पी लेंगे। कप होता है तो बहुत छोटा होता है, आकार क्षेत्रफल कम होता है, ठंडा होने में बहुत टाइम होता है, धीरे धीरे धुआं निकलेगा तो उसमें अधिक टाइम लगता है, तो इसलिए उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, पीते हैं। चलो अच्छा, अगला कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और हल्के, हाँ गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए कि जल्दी जल्दी जब पसीना बताए जल्दी लिबास बन जाएगा, अगर ब्लैक कपड़ा पहन लेंगे काले रंग का तो पूरा पसीना शरीर के अंदर रह जाएगा, तो बहुत गर्मी होती है, बात समझ रहे हो? काला आदमी को देखना ना गर्मी एक दिन है बहुत गर्मी होती है, और उजला आदमी को कम होता है, सफ़ेद आदमी को। अब लिखना शुरू करते हैं, चलो समझ में आ गया ना पूरा, हाँ तो चलो पहला हेडिंग बना लेते हैं हम लोग कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। आ जाओ, तो आज का हेडिंग है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी आती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी आती है, कैसी आती है। देखो हम आपको थोड़ा सा फिगर से समझाते हैं, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, आप भी हो सकते हैं खुद, तो अब होता क्या है कि इसमें पहले जल उपस्थित था, क्या उपस्थित था, जल, और उसके बाद से क्या हुआ कि जल वाष्प बन के उड़ गया, तो जल वाष्प बन के उड़ेगा यहाँ से, जल जब बाहर जाएगा तो जल जिसके ऊपर जाके गिरेगा वहाँ का तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है, तापमान को कम कर देता है, इसलिए वाष्पीकरण के कारण हमें कैसी प्रतीत होती है, शीतलता, शीतलता अनुभव होता है। तो लिख लो, जब तापमान बहुत अधिक होता है, जब तापमान बहुत अधिक होता है और वहाँ जल के बूंदे जब गिरती है, जल के बूंदे जब कहाँ होती है, गिरती है, तो वहाँ का, तो वहाँ का तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ का तापमान क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, जिससे हमें शीतलता मिलता है, हमें शीतलता मिलता है, क्या मिलता है, शीतलता, हाँ यही कारण है कि वाष्पीकरण के कारण हमको कैसा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। ओके अच्छा चलो, आज का पहला टॉपिक ये था, हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर के पास चल रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ठीक, ये भी बात आपसे पूछा जाएगा कि जो गर्मी है, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो उत्तर में लिख लो, देखो गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक
ताप बढ़ जाता है, बहुत अधिक ताप बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत अधिक गर्मी होती है, जिससे हमें बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है। अब देखो कहानी, गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनने पर पसीना आसानी से होता है, और हमें ठंडक महसूस होता है, इसलिए हमें गर्मियों में सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, गर्मी कम होगा, जो गर्मी होगा वह भी अधिक समय से कम समय में वाष्प बन तोड़ जाता है, हमें ठंडक महसूस होता है, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास आता है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदे क्यों नजर आती है। सब किताब में दिया है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदे क्यों दिखाई देती है, बर्फीले जल के से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदे क्यों दिखाई देती है। देखो ये गिलास आपके पास है, ठीक है, इस गिलास के अंदर हमने क्या कर दिया है, बर्फ को भर दिया है, बर्फ का टुकड़ा, चलो हमने बर्फ भर दिया, क्या भर दिया, किसके अंदर, गिलास के अंदर, तेज हवाएं बहती हुई आ रही है और आकर इसे टकराई इस गिलास से, तो टकराई तो क्या हुई, हवा के अंदर जल वाष्प थे और जल के बूंदे ठंडा होकर के यहाँ पर क्या होते दिखाई दे, लिख लो, जब बाहर से वायु आकर बर्फ से भरे गिलास से टकराती है, गिलास से क्या होती है, टकराती है तो ठंडा हो जाती है, तो ठंडा हो जाती है, ठंडा हो जाती है, और फिर जल के बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती, गिलास के ऊपर दिखाई देने लगती,
गिलास के ऊपर दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से आप इस चीज को भी बता सकते हैं कि कैसे गिलास के ऊपर रखी बूंदे दिखाई देती। चलो प्रश्नोत्तर संख्या आपका है कितना, पेज नंबर आपका 11 का पृष्ठ संख्या पर प्रश्न दिया। चले हम लोग देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों महसूस करता है। देखो आपके प्रश्न एक है, ठीक है ना, कूलर आपके पास है। का है कूलर, तो समझो पहले माने कह रहे गर्मी के दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों देता है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर पानी होता है, होता है ना कूलर का, तो ये हवा को अपने तरफ खींचता है इस तरीके से। किसको खींचता है, हवा को, वायु को, वायु को। और खींचने के कारण क्या होता है कि जहाँ से जहाँ तक ये वायु को खींचता है वहाँ का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जो व्यक्त होता है उसको ठंडक महसूस होता है। तो देखो देखो कूलर, कूलर के अंदर पानी भरा गया होता है, जब कूलर चलता है तो अपने आसपास के वायु को खींचता है। अपने आसपास के वायु को क्या करता है, खींचता है, अपने आसपास के वायु को खींचता है, जिससे वहाँ का तापमान कम हो जाता है, वहाँ का तापमान कम हो जाता है तथा वहाँ पर बैठे व्यक्ति को ठंडक महसूस होता है। ठंडक महसूस होता है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो प्रश्न एक का उत्तर था ये, अब आते हैं उत्तर दो के पास। देखो दो नंबर उत्तर आपका है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आपको याद होगा कि जैसे घड़ा अगर है तो घड़े के अंदर जल होता है, और जल का जो गर्मी होता है, घड़े के जो दीवार होते हैं उस दीवार में छिद्र होता है और उसके द्वारा वो गर्मी को अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए जो घड़े का जल होता है ठंडा महसूस होता है। लिख लो, घड़े के दीवारों में छिद्र होता है, छिद्र होता है जिसमें वायु, गर्म वायु या उष्मा दीवार में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है तथा जल ठंडा महसूस हो लगता है। ये भी बता सकते हैं माने जब घड़ा के अंदर गर्मी होता है ना, वो घड़े के दीवारों के अंदर चला जाता है जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर उत्तर के पास, तीसरा उत्तर है, कह रहा है इसमें कि एसीटोन पेट्रोल ईट डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडक महसूस कर लेती है। तो कह देंगे जब जब एसीटोन को
या इत्र को हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखते हैं तो हथेली का तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है जिससे ठंडक महसूस होता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब उस पर गिराते हैं तो वहाँ का तापमान कम हो जाता है, तब में ठंडक महसूस होता है। चार नंबर का ये, चार नंबर उत्तर के पास, चार नंबर प्रश्न कहता है कि कप के अपेक्षा प्लेट में हम दूध आसानी से क्यों पी लेते हैं, तो कह देंगे कि कप, देखो यही कप है ना, कप इतना बड़ा होता है इस तरीके से, तो इसका एरिया तो ज़्यादा है, इसमें चाहे आराम से ठंडा जल्दी हो जाए, जबकि कप जो होता है इस तरीके का इसकी बनावट होती है तो इसकी क्रिया कम होती है, तो जल्दी से लिख लेना कि प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसमें चाय या प्लेट आसानी से ठंडा हो जाता है। चाय और प्लेट का, जिसमें चाय और दूध लिखना, और हम उसे आसानी से पी लेते हैं, जबकि कप में दूध या चाय जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए इसे आसानी से नहीं पी पाते हैं, इसे आसानी से नहीं पी पाते हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए पांच नंबर उत्तर पर आइए। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, तो कहेंगे गर्मियों में हमें हल्के सफ़ेद रंग के सूती के वस्त्र पहनना चाहिए, सूती के वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे कि पसीना आसानी से वाशुमन को उड़ सके, जिससे कि पसीना आसानी से वाष्प बनकर उड़ सके, और हमें ठंडक महसूस हो, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है।